कहाँ कमल लिखा फायदा उतर नहीं पा रहे ऐसा भी है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा काय रे निकल चुकी हूँ अपने घर से और अभी पहुँचने वाली है स्टेशन मेरा जगह जुलिया को पता है इसीलिए मेरा जगह छोड़ के बैठ गया I look at you and it's easy to see You are the someone I've been trying to meet कहाँ क्या देखो जी जहाँ मनता है ठीक है टिकट ही हो ना हम ये है तो काफी देर वेट करने के बाद फाइनली ट्रेन आई लेकिन चढ़ने के टाइम तो बहुत ज्यादा ही बुरा हाल हो गया था वो तो आपको आगे पता चलने वाला है कहाँ से उड़ी आसमान से इतना भीड़ लोग गर्मी में ही ट्रेन खुलवा दिए हालत खराब भाई कैसे इतना बोझ लेके आगे चढ़ेगा इतना बोझ तुम पहली बार ढो रही हो मुझे आना था मैं बाबू रुक कर बाबू मेरे को बैठाना इसीलिए इतना बोझ लेके मैं कभी कहीं नहीं निकली ना तुमने क्या ही हो सच्ची बात है चलो फाइनली हम लोग ट्रेन पर चढ़ चुके हैं ट्रेन खुल भी चुकी है बहुत पहले ही खुल गई थी चढ़ते टाइम ही खुल गई थी एक सेकंड लेटर तक कोई दिक्कत नहीं बनाना हम लोग अक्सर दूसरा ट्रेन पीछे ही बढ़ती जाती है जबकि मैं ऊपर ही मस्त आके बैठती हूँ सोती हूँ मेरा रास्ता कट जाता है रास्ता काटने का सबसे शॉर्ट तरीका है सो जाओ मैं भी ऊपर अकेले रहती तो मैंने ऊपर ही खाती पिछली बार जब लेने गई थी नहीं नहीं मैं अकेले रहती मैं नीचे ही बैठती हूँ पता नहीं स्टॉपेज कहाँ निकल जाए ऐसा भी है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा ये जो भी है देखो ना चादर कंबल सब लेके बस घर बसाने हुए सही में यार कंबल उड़े हुए हैं चादर लेटे हुए हैं हिंदो के सर रखे हुए हैं मतलब पूरा व्यवस्था ट्रेन में लेके आ गया है गर्मी हो रहा है इसमें बैकअप में टी शर्ट है लेकिन बैग में कोई बात नहीं पहुंच के चेंज करते अभी सदमा लग रहा है यार सही में गजब मतलब ट्रेन एकदम रुला जहाँ रुक रहा है रुके जा रहा है एक एक घंटे रुक रहा है ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये देखो कमल लिखा फायदा
ये बात तो सच है कि ट्रेन बहुत ज्यादा ही लेट हो रही थी, और लेट आई भी थी, और लेट चल भी रही थी, लेट पहुंचाई भी। लेकिन कोई नहीं, पूरे रास्ते सोते उठते बैठते खाते पीते वो रास्ता कट ही गया, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी कोई खा के निकलता नहीं है बाहर ट्रैवलिंग में या फिर कहीं भी जाना होता है। और इतने लंबे सफर, वैसे लंबा सफर था नहीं, इसको बनाया गया क्योंकि ट्रेन ही इतना ज्यादा लेट थी और लेट चल भी रही थी, इसीलिए सफर बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया। ट्रेन तो पहले लेट थी लेकिन इसके बाद बस का भी सफर करना था, और वो भी 1.5 घंटे। इतना लंबा सफर मैं जल्दी करती नहीं हूँ, और मुझे इतना लंबा सफर से बहुत ज्यादा डर लगता है, खासकर बस से, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, इसीलिए मैं ट्रेवलिंग के टाइम सो ही जाती हूँ। ट्रेवलिंग में कुछ काम था नहीं और जाते ही के साथ मैं सो गई थी, तो अब सोना भी नहीं है, और फोन चलाना और फोन देखना तो सबसे बड़ा ही सर दर्द वाला काम लगता है, क्योंकि एक जगह फोकस करने से मेरे सर में पेन हो जाता है, इसीलिए मैं फोन चलाना नहीं करती ट्रेवल का टाइम। हाँ थोड़ा बहुत चलता है लेकिन थोड़ा बहुत से सफर नहीं कम और होता। बस मस्ती मजाक करते करते हम लोग पहुंच गए काशी। नेक्स्ट स्टॉपेज पर हम लोग को उतरना ही था, और वहाँ से भी एक और सफर शुरू होगा। तो बस थोड़ा सा और उसके बाद फाइनली स्टेशन। ये तो रहा ट्रेन का सफर, लेकिन अभी बस का सफर बाकी है, तो वो भी बहुत जल्दी ही निकल जाएगा जैसे ये निकल गया। Don't leave me hanging on the dial tone.